हेलो बच्चों, आज पढ़ेंगे आवेशी संधारित्र की स्थिर ऊर्जा। आवेशी संधारित्र की स्थिर ऊर्जा क्या होती है? जब भी हम किसी संधारित्र को आवेशित करने के लिए उसे आवेश देते हैं, उसको चार्ज करने के लिए आवेश देते हैं, तो आवेश देने में कुछ कार्य करना पड़ता है। हमारे द्वारा संधारित्र को आवेशित करने में जितना भी कार्य किया जाता है, वही कार्य संधारित्र की स्थिर ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, यानी उसी कार्य को हम संधारित्र की स्थिर ऊर्जा कहते हैं। तो इसको परिभाषा के रूप में आप लिख लेंगे, किसी संधारित्र को आवेशित करने में किया गया कार्य संधारित्र में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखें, माना किसी संधारित्र, ये कोई संधारित्र है जिसकी हम धारिता मान लेते हैं, इसकी धारिता C है। अब इस संधारित्र को हम वाह स्रोत से यहां पर प्लस Q आवेश दे देते हैं, आवेशित कर रहे हैं, Q आवेश को दे रहे हैं, इसका विभव V हो जाता है। तो पहले इसमें लिखें, अगर लिखें, माना किसी संधारित्र की धारिता कैपिटल सी है, संधारित्र को क्यू आवेश देने पर उसका विभव भी हो जाता है। तो संधारित्र को सूक्ष्म आवेश, संधारित्र को सूक्ष्म आवेश डीक्यू, स्मॉल डी क्यू, संधारित्र को सूक्ष्म आवेश डीक्यू देने में किया गया कार्य, अभी हम देखे लिखेंगे इसको, सूक्ष्म आवेश देने में किया गया कार्य, कार्य बराबर होता है विभव इनटू आवेश, यानी सूक्ष्म कार्य डी डब्ल्यू इक्वल टू विभव बी इनटू आवेश, सूक्ष्म आवेश हमने दिया था डी क्यू। तो अभी हम ये हमारा हो गया किया गया का ये विभव सूक्ष्म आवेश है, तो चूंकि विभव का मान अगर हम रखें, तो चूंकि संधारित्र यानी C इक्वल को हम जानते हैं Q by V, V इक्वल को हमारा हो जाएगा Q by C, यहां पर हम लिखें dW बराबर यहां पर V के स्थान पर Q by C इनटू dQ। अब यहां पर देखें तो ये तो सूक्ष्म आवेश देने में किया गया कार्य है, अगर हम क्यू आवेश देने में, तो शून्य से क्यू आवेश देने में कृत कार्य डब्ल्यू इक्वल टू, इसका हम समाकलन कर दें, तो हमने इसको समाकलन कर दिया जीरो से क्यू तक, कितना, यहां पर सी संधारित्र की धारिता होती है जिसका मान अचर होता है, इसको हम बाहर कर दें, कांस्टेंट है ये बाहर हो जाएगा, इधर लिख दे रहे हैं ये बाहर हो जाएगा, तो डब्ल्यू बराबर वन अपॉन सी, ये बाहर हो गया, यहां हो गया क्यू इंटू डी क्यू
जीरो से q तक। अब इसका समाकलन करेंगे, q का समाकलन तो क्या हो जाएगा, q स्क्वायर बटे दो। तो w इक्वल टू 1/c q स्क्वायर बटे दो जीरो से q तक। q यहां पर रखेंगे कितना ही आएगा, q स्क्वायर बटे, तो यहां पर आपका हो जाएगा, तो w इक्वल टू 1/2 फाइनल लिख देंगे c, और क्या गया q स्क्वायर। तो यहां तक ये w का मान हो गया। अब इसी को आप लिख लेंगे, इसको पहले नोट कर लेंगे, W का मान आ रहा है, वन बाई टू सी वन अपॉन सी, सॉरी हम Q का मान रखें, तो Q बराबर चूंकि चूंकि यहां से अगर हम Q बराबर निकालें, इसको पक्षांतर कर देते Q इक्वल टू, तो यहां से जो हम Q बराबर निकालेंगे यहां पे इसको पक्षांतर कर दें C B, तो अब यहां पे इसका मान रख दें, तो W 1/2 C स्क्वायर B स्क्वायर बटे C, एक सी से यह सी कैंसिल हो जाएगा, तो W इक्वल 1/2 सी बी स्क्वायर अब चूंकि किया गया कार्य हमारा इससे ऊर्जा कहलाता है, चूंकि कार्य बराबर स्थितिज ऊर्जा यानी W इक्वल टू होता है U, इसी ऊर्जा को U से दिखाते हैं, यहां पर हमारा हो जाएगा U बराबर 1/2 C V स्क्वायर, तो ये इसका मान हो गया, तो इसको हम यहां तक लिख लेंगे। अब देखें पहले हम इसको यहां तक नोट कर लीजिए, क्योंकि ऊर्जा है किसका मात्रक जूल, अगर हमारा संधारित्र जो है वो वायु संधारित्र हो, यानी उसके प्लेटों के बीच में निर्वात हो या वायु स्थित हो, तो उसके लिए नोट में कर लें, यदि देखिए यदि वायु संधारित्र हो तो यू बराबर वायु संधारित्र की जो धारिता होती है वो हम सी नॉट से दिखाते हैं 1/2 सी नॉट, और उसके लिए विभव वी नॉट
का स्क्वायर या एक बटा दो क्यू नॉट स्क्वायर बटे सी नॉट। वायु संधारित्र है तो उसकी स्थिर ऊर्जा यह होगी। अब कोई संधारित्र वायु संधारित्र है जिसको हमने आवेशित कर दिया उसकी स्थिर ऊर्जा इतनी हो जाती है। अब इसमें दो कंडीशन आती है कि अगर कोई संधारित्र को हम चार्ज कर देते हैं एक बार और फिर उस संधारित्र में चार्ज करने के बाद यानी आवेशित करने के बाद उसमें कोई परावैद्युत पदार्थ भर दें, तो अगर हम ऐसा करते हैं तो उसकी स्थितिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है। यानी समझने के लिए ऐसे समझे, संधारित्र का यूज आप नहीं करते लेकिन आप अपने घरों में इन्वर्टर की बैटरी का प्रयोग करते हैं, तो इन्वर्टर की बैटरी में पानी डाला जाता है तो वो पानी जो है वो परावैद्युत पदार्थ है, जल जो होता है वो परावैद्युत पदार्थ होता है। तो जब हम जल को डालते हैं तो उस बैटरी की स्थितिज ऊर्जा यानी उसकी कैपेसिटी वो बढ़ती है या घट जाती है, हम इस पर बात करेंगे। तो अब वहां पर जब पानी डाला जाता है यदि परावैद्युत पदार्थ रखा जाए तो उसके लिए दो स्थितियां होती है। एक, जिस समय परावैद्युत पदार्थ भरा जा रहा है यानी पानी भरा जा रहा है उस समय बैटरी चार्ज हो रही है यानी उसको बाह्य स्रोत से विभव ठीक है उसका जुड़ा हुआ है यानी उस समय वो चार्जिंग पोजिशन में है, या जिस समय परावैद्युत पदार्थ भरा जाए यानी पानी भरा जाए उस समय लाइट ना हो यानी उसका बाह्य स्रोत से यानी विभव जो है वो ना हो सिर्फ वो पहले से चार्ज होकर रखी हो, तो दो स्थितियां होती हैं। यानी परावैद्युत भरते समय कि वो उसमें लाइट जुड़ी हुई है यानी वो बाह्य स्रोत से उसका विभव जुड़ा हुआ है यानी विभव का मान जो है वो नियत है, या लाइट नहीं है तो उसमें क्या है आवेश नियत है यानी लाइट नहीं है यानी वैद्युत विभव नहीं जुड़ा है तो उस संधारित्र में क्या होगा यानी उस बैटरी का आवेश जो है वो नियत है। और उस समय अगर हम पानी भरते हैं यानी परावैद्युत पदार्थ उसमें और डाल देते हैं तब उसकी कैपेसिटी यानी वैद्युत स्थिर ऊर्जा बढ़ेगी या घटेगी, हम इन दो चीजों पर विचार करते हैं। तो इसमें पहली स्थिति यहां पर लिखेंगे इसी के नीचे नंबर वन में लिखें, माना किसी वायु संधारित की धारिता सी नॉट तथा विभव वी नॉट है, संधारित्र वाह्य वैद्युत स्रोत से जुड़ा है अर्थात संधारित्र का विभव V नॉट नियत है। तो उसे नीचे लिख लें, तो संधारित्र की धारिता तो संधारित्र की इसी ऊर्जा U बराबर स्थिर ऊर्जा हो जाएगी। यदि इस स्थिति में प्लेटों के बीच
के परावैद्युतान वाला परावैद्युत पदार्थ रख दिया जाए तो अगर हम इसमें परावैद्युत पदार्थ रख देते हैं तो धारिता सी को क्या हो जाएगा के इंटू सी नॉट, यानी जहां तक अभी तक धारिता कितनी होती थी सी, अब वहां पर धारिता सी नॉट जो थी सी नॉट की जगह क्या हो जाएगा के इंटू सी नॉट। तो अब यहां पर समान रखें तो स्थितिज ऊर्जा यू बराबर इसको यू नॉट चाहे लिख लें एक बटा दो सी का स्थान पर आप लिखेंगे के इंटू सी नॉट वी नॉट का स्क्वायर। यहां पर वी नॉट का मान क्या होगा नियत होगा, क्यों, क्योंकि हम बैटरी को वाय स्रोत से लगातार जुड़े हुए हैं ना, तो उसका विभव जितना पहले था उतना ही अब भी रहेगा, तो यहाँ के बाहर आ जाएगा तो यूनिट पर जो के एक बटा दो सी नॉट वी नॉट का स्क्वायर, यानी यहाँ कहने का है तो यूनिट पर जो के इंटू यू नॉट, यानी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी बढ़ जाएगी। यानी अगर हम लाइट होने पर बैटरी में पानी भर देते हैं तो उसकी स्थिर ऊर्जा बढ़ जाएगी, यानी उसकी स्थिर ऊर्जा क्या होगी बढ़ेगी, यानी हम बैटरी में पानी तभी भरेंगे इन्वर्टर की बैटरी में पानी तभी डालें जब उस समय वैद्युत की सप्लाई आ रही हो, यानी वैद्युत आ रहा हो, ठीक, लाइट कटी होगी तब हम उसमें नहीं भरेंगे। तो इसके नीचे लिख लें यहाँ तक पहले इसको आप नोट कर लें, यहाँ तक नोट कर लें अब इसके नीचे लिखें, अतः किसी संधारित्र का विभव नियत होने पर परावैद्युत पदार्थ रखने पर संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाती है। अब इसमें दूसरी स्थिति की बात करते हैं, देखिए दूसरी स्थिति क्या हमने बताया कि लाइट सप्लाई ना हो, यानी हम परावैद्युत पदार्थ तब भरें प्लेटों के बीच में जब उस समय लाइट ना हो, यानी हमारा इन्वर्टर या हमारी संधारित्र बाह्य स्रोत से न जुड़ा हो, वो पहले से जितना आवेशित है उतना ही है और उस आवेशित होने के बाद आवेशित करने के बाद हम उसमें परावैद्युत पदार्थ भर रहे हैं यानी पानी भर रहे हैं, तब उसकी स्थिर ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा हम ये जानना चाहते हैं।
तो दूसरा नंबर लिखें यदि वायु संधारित की धारिता C नॉट विभव V नॉट तथा आवेश Q नॉट हो तो संधारित्र की स्थिर ऊर्जा अब यहां से हम दूसरी स्थिति में बात कर रहे हैं कि यहां पर संधारित्र हमारा पहले से ही आवेशित है, आवेशित पहले से ये जैसे ये संधारित्र है इसको आवेशित कर दिया गया। ये हमारा संधारित्र है और इस संधारित्र को हमने आवेशित कर रखा है, इसका आवेश है क्यू नॉट, इसकी जो धारिता है वो है सी नॉट, इसके बीच में कोई परावैद्युत पदार्थ नहीं रखा गया और यहाँ जिस वैद्युत स्रोत को जोड़कर रखा गया है उसका विभव जो है वो पहले हमारा था वी नॉट। अब हमने क्या किया, इस संधारित्र को जहां जो इसको आवेशित कर रहा था उसको हमने हटा दिया, ये तार हट गए, ये आवेशित हो चुका है, अब इसको हम आवेशित नहीं कर रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में अब हम इसमें परावैद्युत पदार्थ भर रहे हैं, यानी जो हमने कहा कि वैद्युत सप्लाई नहीं हो रही, यानी हटा दिया गया, बैटरी को निकाल दिया गया है, जो तार से जुड़ा नहीं है, अब उसमें परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाए, यानी पानी भर दिया जाए, और अब अगर हम भर देंगे तब इसकी स्थिर ऊर्जा बढ़ेगी या घटेगी हम ये जानना चाहें। तो ऐसी स्थिति में हम जैसे इसमें परावैद्युत पदार्थ भरेंगे तो यहाँ पर इसका जो आवेश है ये जो है नियत रहेगा, ठीक है, आवेश चूंकि पहले से ही आवेशित कर दिया गया है तो आवेश संरक्षण का नियम क्या कहता है, आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता ना ही नष्ट किया जा सकता, तो किसी भी संधारित्र को जितना आप आवेशित कर देंगे, आवेशित करने के बाद अगर उसको संधारित्र को हटा लेंगे, वैद्युत परिपथ से हटा लेंगे, जुड़ा ना हो वैद्युत परिपथ में, तो उसका जो आवेश है वो नियत रहता है, यानी हम इसमें कहेंगे यदि आवेश नियत आवेश क्यू नॉट पर संधारित्र में के परावैद्युतांक वाला परावैद्युत रखा जाए तो संधारित्र की धारिता C बराबर, अब यहां पर देखें धारिता C देखें तो जहां C नॉट होता था तो यहां पर एक बटा दो, तो C नॉट की जगह पर हम लिखेंगे K इंटू C नॉट, अब धारिता क्योंकि C बराबर क्या होता है K इंटू C नॉट परावैद्युतता, तो अब यहां से इसको ना रखें तो के बाहर हो जाएगा तो सी नॉट सी बराबर एक बटा के इंटू एक बटा दो क्यू नॉट का स्क्वायर बटे सी नॉट, इसके स्थान पर हम क्या लिखते हैं यू नॉट, तो अब यहां से हमारा आया
संधारित्र की स्थिर ऊर्जा अब यहां समान आ जाएगा U बराबर U नॉट बटे के, यानी अब उसकी ऊर्जा जो है वो प्रारंभिक ऊर्जा से क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ठीक, यानी इसमें हम लिख लेंगे आवेश नियत होने पर किसी परावैद्युत किसी संधारित्र में परावैद्युत पदार्थ रखने पर उसकी स्थिर ऊर्जा घट जाती है। तो पहले इसको यहां से यहां तक पूरा नोट कर लेंगे, फिर उसके नीचे नोट करने के बाद इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद लिखिए उसके नीचे, अतः आवेश नियत होने पर संधारित्र में परावैद्युत पदार्थ भरने पर उसकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा घट जाती है। तो आज की क्लास यहीं तक।